हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉयल रंबल के बाद रॉक के एपिसोड के बारे में। WWE ने पहले से ही इस मैच के लिए लाना वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच मैच अनाउंस किया हुआ है। वहीं देखते हैं कि रॉयल रंबल के विनर्स आज के एपिसोड में किसी चैंपियन को चैलेंज करते हैं रसलमेनिया के लिए या नहीं, और क्या क्या दिखा है इस एपिसोड में, सब पर नजर डालेंगे वो भी डिटेल्स में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी, तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत मेंस रॉयल रंबल विनर ड्रू मैकइंटायर के सेगमेंट से हुई। मैकइंटायर ने आके कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि लास्ट 24 आवर में मेरे साथ क्या हुआ है, मैं रॉयल रंबल जीत चुका हूं और इसका मतलब ये है कि मैं रसलमेनिया जा रहा हूं। मैकइंटायर ने यह भी कहा कि मैं खेल नहीं खेलने वाला और अभी यहां से WWE चैंपियनशिप के लिए ब्रॉक लेसनर को रसलमेनिया में मैच के लिए चैलेंज करता हूं। मुझे पता है कि लॉकर रूम में कई सुपरस्टार लेसनर से डरते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डरता और मैंने ही उन्हें एलिमिनेट किया था। इसके बाद ड्रू मैकइंटायर ने कहा कि मैं ही रसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर को WWE चैंपियनशिप के लिए हराने वाला हूं। इसके बाद मैकइंटायर ने फाइट के लिए ओपन चैलेंज करा और इसके बाद OC की एंट्री हुई। कार्ल एंडरसन और ल्यूक गैलोज ने मैकइंटायर को चैलेंज किया और ड्रू मैकइंटायर ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया। इसके बाद हमें ड्रू मैकइंटायर वर्सेस OC के बीच हैंडीकैप मैच दिखा। ड्रू मैकइंटायर ने शुरू में ही जबरदस्त अटैक करके दोनों को मारा और क्लेमोर देके एक साथ दोनों को पिन करके मैच जीत लिया। मैच के बाद पीछे से ब्रॉक लेसनर की एंट्री हुई और उन्होंने आके ड्रू मैकइंटायर को जबरदस्त F5 दे डाली। अब जब ड्रू मैकइंटायर ब्रॉक लेसनर को चैलेंज कर चुके हैं और ड्रू मैकइंटायर ही वो थे जिन्होंने ब्रॉक लेसनर को रॉयल रंबल में एलिमिनेट करा था, इसी वजह से ब्रॉक लेसनर ने यहां ड्रू मैकइंटायर पर अटैक करा। नेक्स्ट समय MVP वर्सेज रे मिस्टीरियो के बीच मैच दिखा। 10 साल बाद MVP ने WWE रॉयल रंबल में वापसी करी थी। मैच शुरू हुआ और MVP ने शुरू में रे मिस्टीरियो पर अटैक करा। रे मिस्टीरियो ने भी जबरदस्त फुर्ती MVP के खिलाफ दिखाई और उन पर हावी हुए। MVP ने इसके बाद रे मिस्टीरियो के कुछ मूव को रिवर्स करते हुए उल्टा उन पर अपने मूव लगाए। रे मिस्टीरियो 619 देने में भी फेल हुए, तो फ्रॉग स्प्लैश देके MVP को रे मिस्टीरियो ने मैच जीत लिया। नेक्स्ट समय सेथ रॉलिंस बड़ी मर्फी वर्सेस केविन ओवंस समोआ जो के बीच रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा। मैच से पहले सेथ रॉलिंस ने कहा कि मैं रॉयल रंबल जीतने के काफी करीब आ गया था, लेकिन मुझे ड्रू मैकइंटायर ने एलिमिनेट कर दिया। रॉलिंस ने कहा कि मैंने ही समोआ जो और केविन ओवंस को इस मैच से एलिमिनेट करा था और अब वो रसलमेनिया नहीं जाने वाले हैं। सेथ रॉलिंस ने कहा कि समोआ जो और केविन ओवंस ने हमें मैच के लिए चैलेंज किया है, वो भी टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, और हम इसके लिए तैयार हैं। तभी समोआ जो और केविन ओवंस की एंट्री होती है। उसी टाइम बैकस्टेज देखा गया कि द विकिंग राइडर्स ने ऑथर ऑफ पेन पर अटैक कर दिया। अब इन सभी के बीच मैच शुरू हुआ और शुरू में ही समोआ जो और केविन ओवंस दोनों पर भारी पड़ते हुए दिखाई दिए। समोआ जो ने मर्फी को मारकर पिन करना चाहा, बट टैग रॉलिंस पर आया। सेथ रॉलिंस ने आके समोआ जो पर मूव लगाए। इसके बाद फिर मर्फी आए तो समोआ जो ने सेथ रॉलिंस को बाहर फेंका और बड़ी मर्फी पर सुसाइड डाइव भी लगाई, जिसके बाद समोआ जो को कुछ प्रॉब्लम हुई, वो मैच से बाहर हो गए। अब केविन ओवंस को ही इन दोनों के खिलाफ मैच लड़ना पड़ा। अकेले केविन ओवंस भी इन दोनों को जबरदस्त टक्कर देते हुए नजर आए। एक बार लगा कि केविन ओवंस जीत के काफी करीब आए, बट ऐसा नहीं हुआ। केविन ओवंस ने सेथ रॉलिंस को स्टनर दिया, बट बड़ी मर्फी ने आके केविन ओवंस को रोल करके मैच जीत लिया और टाइटल को रिटेन कर लिया। इसके बाद हमें कार्लियो वर्सेज आंद्रादे के बीच US चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा। एक तरह से इन दोनों के बीच ये रीमैच था। कार्लियो ने मैच की अच्छी शुरुआत करी और आंद्रादे ने भी कार्लियो पर पलटवार करा। आंद्रादे ने कार्लियो पर मूव लगाने शुरू करे तो कार्लियो ने भी जबरदस्त मूव से आंद्रादे को जवाब दिया। ज़ेलिना वेगा भी आके आंद्रादे को बचाया। मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से खत्म कर दिया गया। इसके बाद कार्लियो ने जमकर अपना गुस्सा आंद्रादे पर निकाला और स्टील स्टेप्स पर उन्हें दे मारा और सेफ्टी मैट हटा के उस पर उन्हें जबरदस्त DDT दी। विनर यहां कार्लियो हुए, बट टाइटल आंद्रादे पर ही रहा। इसके बाद हमें शार्लेट फ्लेयर का सेगमेंट दिखा। शार्लेट ने आके रसलमेनिया के साइन की तरफ इशारा करा और कहा कि मैंने रॉयल रंबल मैच को जीता है। शार्लेट फ्लेयर ने कहा कि मैंने वही किया जो मैंने कहा था। शार्लेट ने कहा कि मैं अभी सोच रही हूं कि मैं किस ब्रांड की चैंपियन को चैलेंज करूं। तभी काबुकी वॉरियर्स की एंट्री होती है। आस्का ने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि शार्लेट तुम मुझे हरा पाओगी। काबुकी वॉरियर्स ने शार्लेट के ऊपर अटैक कर दिया और उन्हें मूव भी लगाए। इसके बाद ही हमें आस्का वर्सेस फ्लेयर के बीच मैच दिखा। आस्का ने शार्लेट को किक और पंच मारते हुए मैच की शुरुआत करी। शार्लेट ने पलटवार करते हुए आस्का को पटका और उनके पैर पर अटैक करना शुरू करा। वो उन्हें लॉक लगाने ही वाली थी, बट आस्का ने शार्लेट को सुप्लेक्स लगा डाली। फिर शार्लेट ने लॉक में पकड़ा तो टॉप रोप से कायरी सेन ने शार्लेट पर अटैक करा, बट शार्लेट ने पलटवार करते हुए कायरी को बिग बूट मार के रिंग से बाहर करा। डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से जीत यहां शार्लेट फ्लेयर की हुई। इसके बाद हमें नोवे होजे वर्सेस मोजो रॉली के बीच मैच दिखा। मोजो रॉली ने 24/7 चैंपियनशिप टाइटल के लिए ओपन चैलेंज करा था, जिसका जवाब नोवे होजे ने दिया। मोजो ने बहुत जल्दी नोवे होजे को ढेर करके मैच जीत लिया। तभी आर्ट्रो थाए उन्होंने मोजो रॉली को पिन करके 24/7 टाइटल जीत लिया।
इसके बाद मोजो रॉली ने आर्ट रुथ को मूव देके फिर से टाइटल वापस हासिल कर लिया। नेक्स्ट हमें लिव मॉर्गन वर्सेस लाना के बीच मैच देखा। बॉबी लैशली और रूसेव रिंग साइड से बैन थे। लाना ने शुरू में संभलते हुए लिव पर मूव लगाने शुरू करे। लिव ने भी पलटवार करते हुए मैच में पकड़ बनाई और लाना को कोई मौका नहीं दिया। एंड में फिनिशिंग मूव देके मैच ये लिव मॉर्गन ने जीत लिया। इसके बाद हमें एज का सेगमेंट दिखा। एज ने रॉयल रंबल मैच में नंबर 21 पर एंट्री करी थी। एज ने कहा कि मुझे जो रिएक्शन मिल रहा है उसको मैं वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकता। ये बोलते हुए वो काफी इमोशनल भी हो गए। एज ने कहा कि हम इसीलिए रिंग में आते हैं। एज ने बताया कि 9 साल पहले मुझे मेडिकल क्लियरेंस नहीं मिला था। उन्होंने कहा कि दूसरी नेक सर्जरी के बाद इतनी मेहनत की और 46 साल की एज में अपने करियर की बेस्ट शेप में हूं। एज ने कहा कि मैं अपने करियर को अपने ही अंदाज में खत्म करना चाहता हूं। एज ने यह भी कहा कि मैंने रोमन रेंज, रैंडी ऑर्डन, एजे स्टाइल जैसे स्टार के साथ रेसलिंग की है। एज ने कहा कि भले ही मेरी उम्र हो चुकी है लेकिन मुझ में अभी भी काफी हिम्मत है। तभी रैंडी ऑर्डन की एंट्री होती है। एज और रैंडी ऑर्डन गले मिलते हैं। एज काफी इमोशनल हुए। अब रैंडी ऑर्डन ने एज की तारीफ करना शुरू करा और कहा कि एज ने हमेशा उनकी हेल्प करी। रैंडी ने एज को अपना फैमिली मेंबर बताया और उनके रिटर्न को खास बताया। रैंडी ने कहा क्यों ना हम दोनों एक हो जाएं। क्राउड इससे काफी खुश नजर आया। लेकिन तभी रैंडी ऑर्टन ने एज को आरकियो दे दी। फिर रैंडी ऑर्टन ने चेयर से एज के ऊपर अटैक कर दिया। रैंडी ऑर्टन ने एज की गर्दन में चेयर को फंसाया और वो गर्दन तोड़ने वाले थे बट शायद उन्होंने अपना मन बदल लिया। रैंडी ऑर्टन यहीं नहीं रुके। उन्होंने चेयर के ऊपर एज का सर रखा और सर के ऊपर चेयर से अटैक करा। मुझे समझ ये नहीं आया कि इतने नॉर्मल सी कन्वर्सेशन में ऑर्टन से WWE ने इस तरह का अटैक क्यों करवाया जिसमें रिस्क हो सकता है। एज को नेक इंजरी की वजह से रिंग से दूर होना पड़ा था और इतने साल बाद जब उन्होंने वापसी करी तो उसके तुरंत बाद नेक के आसपास इस तरह का अटैक करवाना कितना जायज है। यहीं आज का शो एंड हुआ। अब फाइनली ड्रू मैकइंटायर ने ब्रॉक लेसनर को चैलेंज कर दिया है और रसलमेनिया के लिए एक बड़ा मैच सामने आ चुका है। वहीं अभी तक शार्लेट ने इस बात को अनाउंस नहीं किया है जिसका मतलब साफ है कि WWE यहां कुछ ट्विस्ट लेके आएगी क्योंकि बैकी लिंच वर्सेस शार्लेट फ्लेयर काफी बार फैंस देख चुके हैं। समोआ जो शायद इंजर्ड है, लंबी इंजरी के बाद उन्होंने वापसी करी थी बट होप वो सही हो। WWE पता नहीं केविन ओवंस और समोआ जो के साथ कर क्या रही है, लगातार उन्हें हारते हुए दिखाया जा रहा है। अब समझ नहीं आता कि WWE एरिक को किसी फ्यूड में कब डालेगी या ऐसे ही लोकल रेसलर को तोड़ते हुए दिखाएगी। ब्रॉक लेसनर आज दिखाई दिए बट थोड़ी देर के लिए। एपिसोड ठीक ठाक था, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।